बढ़ रहे हैं और अब रुक कर रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट्स का। तो ईडी की टीम आज सुबह से रांची में छापेमारी कर रही है और जिसके घर से कैश मिला है वो मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव का नौकर है। इतना कैश मिलने से उसके पड़ोसी भी परेशान हैं और बीजेपी पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक दो नहीं, नोटों की हजारों गड्डियां। ₹15,000 सैलरी, 30 करोड़ कैश बरामद। नौ ठिकानों पर रेड, कितना बड़ा खेल। ये सवाल इसलिए क्योंकि झारखंड में चुनाव होना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मंत्री आलमगीर आलम के करीबी जहांगीर आलम के घर से नोटों का ढेर मिला है। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा है और ये पैसा नौकरों के घर जा रहा था। इसके बाद मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां छापेमारी की गई। जब ईडी के अधिकारी यहां पहुंचे तो हक्के बक्के रह गए। जिस शख्स की सैलरी सिर्फ ₹15,000 हो, उसके पास इतना कैश कहां से आया। जब ईडी के अधिकारी कैश गिनते गिनते थक गए तो कर्मचारियों के साथ मशीन भी मौके पर मंगवाई गई। ईडी की टीम आज सुबह से रांची में 9 जगहों पर छापेमारी कर रही है। मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के घर के अलावा एक निलंबित इंजीनियर वीरेंद्र राम और उसके करीबियों पर भी कार्रवाई की गई है। वीरेंद्र राम को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के यहां छापेमारी की गई और यहां से अब तक 30 करोड़ कैश बरामद किया जा चुका है। जहांगीर आलम के पड़ोसी भी हैरान है कि इतना कैश एक साधारण इंसान के पास कैसे आया। उनका हाव भाव एकदम साधारण सिंपल तरीके से आते थे अपना। उसके बाद मान के चलिए कि कोई उसको मतलब जानते ही नहीं था कि इतना पैसा निकलेगा। बातचीत भी दुआ सलाम हमेशा होती थी, लेकिन वैसा कभी मतलब सुहाव लगा नहीं, अंदाजा हुआ नहीं कि इसके पास इतना पैसा निकला। अब इस कैश कांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने झारखंड सरकार के साथ साथ कांग्रेस पर निशाना साधा है। की तो जांच होनी चाहिए, दो काम करना। एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है जो कांग्रेस का, वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुँचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। आलमगीर आलम पर सवाल उठे तो इस पर मंत्री जी की सफाई भी आ गई। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वीएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो दो मंत्री का पीएस रह चुके थे, अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। राजनीति सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रही, बिहार के डिप्टी सीएम ने भी इस कैश कांड पर सवाल खड़े किए हैं। ये सब लुटेरे हैं, ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। ये पहला मौका नहीं है जब झारखंड से इतने बड़े पैमाने पर कैश बरामद हुआ है। फिलहाल 9 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है और अब तक 30 करोड़ से ज्यादा कैश मिल चुका है। मशीन से नोटों की गिनती हो रही है, आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। रांची से धीरज ठाकुर और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।